नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, निखिल सिद्धार्थ एक और जबरदस्त फिल्म लेके आए कार्तिक के टू के बाद, जिसका नाम है स्पाई। और दोस्तों, ये फिल्म हमारे जो महान स्वतंत्रता सेनानी भारत के, एक तरह से भारत को सबको गर्वित करने वाले, सबको जिनके ऊपर गर्व महसूस होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए आज़ादीन फौज का गठन किया था। और दोस्तों, जिस प्रकार से उनकी मौत हुई थी, जिन रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हुई थी, उसके ऊपर सवाल उठाए गए थे। कई लोगों ने कहा था कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये हत्या है। और कई लोगों ने कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अभी तक जिंदा है। कई वर्षों तक ये कहा जाता रहा कि वे अभी तक जिंदा है। तो दोस्तों, इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश कई बार सरकार ने भी की है, लेकिन कभी भी सच सामने नहीं आ पाया है। तो दोस्तों, इसी सच को उजागर करने के लिए ये फिल्म बनाई गई है। लगता है ऐसा ही है कुल मिलाकर के, ट्रेलर देखने के बाद में। तो ट्रेलर काफी जबरदस्त है। अगर ये नेताजी सुभाष चंद्र की जो मौत हुई थी रहस्यमय परिस्थितियों में, उनकी बातें करती है, उनके रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करती है, उसको आधार बना करके, उससे प्रेरित होकर के ये फिल्म बनाई गई है। तो काफी जबरदस्त ये फिल्म लग रही है। जहां तक ट्रेलर की बात करें, ट्रेलर काफी जबरदस्त लग रहा है। जो ट्रेलर के जो विजुअल्स है, जो सिनेमाटोग्राफी है, जो VFX है, और दोस्तों जो जबरदस्त एक्शन सिक्वेंसेज दिखाए गए हैं, साथ ही दोस्तों जो डायलॉग्स है बहुत ही जबरदस्त है। तो ऐसा सच दिखाने की एक हिम्मत करना और इस प्रकार की एक देसी फिल्म बनाना और इस प्रकार का एक अच्छा कंटेंट लेकर के आना, वाकई ही काबिले तारीफ है। काफी मजा इस फिल्म में आने वाला है। और निखिल सिद्धार्थ की जिस प्रकार से पिछली फिल्म कार्तिकेय 2 ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, वैसा ही मुझे लगता है कि यह फिल्म भी एक जबरदस्त हंगामा बॉक्स ऑफिस पर कर सकती है। तो फिल्म को किस प्रकार से बनाया गया, किस प्रकार की ये मिस्ट्री है, कितने रहस्यों को ये खोल पाती है, और क्या इस फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखाया जाता है, ये सब कुछ देखने लायक जरूर होगा। लेकिन फिल्म के डायलॉग्स, विजुअल्स, सिनेमाटोग्राफी, एक्शन सभी बेहतरीन लग रहे हैं। निखिल सिद्धार्थ जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जबरदस्त उनकी एक्टिंग नजर आ रही है। कुल मिलाकर के ट्रेलर काफी इंप्रेसिव मुझे लगा है। मैं इस ट्रेलर को 4 स्टार आउट ऑफ 5 रेटिंग देता हूँ। अगर आपने देखा तो आप जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।